Hey everyone, how are you all? Welcome to the Center Video Wits. And today in this video, we are going to continue with the Indian writers of English literature. और इसी सीरीज के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सरोजनी नायडू. तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये. इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं कोशिश करूंगी कि आज की इस वीडियो के अंदर वो सारे टॉपिक कवर करवाऊँ जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बनता है सरोजनी नायडू का ओरिजिनल नेम क्या है, जो कि शादी से पहले उनका नाम था सरोजनी चट्टोपाध्याय. दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उनका बर्थ कहाँ पर हुआ था. 13 फेब 1879 को हैदराबाद में हुआ था. तो ईयर ऑफ बर्थ एंड प्लेस. इसके बाद उनकी डेथ कब हुई थी. 2 मार्च 1949 इन लखनऊ. और रीजन क्या था. थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हर डेथ. तो वो था हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई थी. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस एज वेल. देन ऑक्यूपेशन पूछा जा सकता है कि सरोजनी नायडू जो है वो उनका ऑक्यूपेशन क्या था. हम जो इंग्लिश लिटरेचर में सरोजनी नायडू को पढ़ रहे हैं वो एक पोइट्रिस की तरह पढ़ रहे हैं, एक लिटरेरी वर्कर की तरह पढ़ रहे हैं, जो कि इन्होंने बहुत सारी राइटिंग लिखी है. लेकिन इसके अलावा भी वो फेमस हैं. आपने सुना होगा सरोजिनी नायडू के बारे में कि वो एक फ्रीडम फाइटर थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महात्मा गांधी. शी वॉज अ पोएट, अ फ्रीडम फाइटर, एन एक्टिविस्ट एंड ऑरेटर. ऑरेटर कौन होता है, पब्लिक स्पीकर जो होता है उसे हम ऑरेटर कहते हैं. एंड एडमिनिस्ट्रेटर, जैसा कि आपको पता होगा कि वो यूपी की गवर्नर भी बनी थी. So Naidu's poetry includes both children's poem. Next question बनता है यहाँ पे कि what kind of poetry she has, children's poem and other written on more serious themes including patriotism, romance and tragedy. तो ये theme भी उन्होंने अपनी poetry के अंदर include किया. तो एक question बन सकता है यहाँ से. इसके बाद जो question बनता है उनका पहला publication जिसका नाम है The Golden Threshold. वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है. रीजन क्योंकि इस की वजह से ही जो इनका फर्स्ट पब्लिकेशन था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो कि 1905 में लिखा गया था. पहला क्वेश्चन बनता है फर्स्ट पब्लिकेशन. दूसरा क्वेश्चन सिंपली पूछा जा सकता है कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसका है, कब लिखा गया, और इसकी वजह से इन्हें बुलबुल ए हिंद या फिर भारत कोकिला और द नाइटिंगल ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था. ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जिसे आपको बहुत ही ध्यान से रखना ध्यान. ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो टाइटल इन्हें मिला वो एक्चुअली दिया किस. तो ये इनको मिला था वॉज अ पोएट ऑन हर द सॉब्रिक द नाइटिंगल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला बाय महात्मा गांधी. गांधी जी ने उनको ये टाइटल दिया था बिकॉज ऑफ कलर इमेजरी एंड लिरिकल क्वालिटी ऑफ हर पोएट्री. शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की पहली महिला प्रेसिडेंट थी वो. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हो चुका था, तो उसके बाद वो फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश बनी थी. तो क्वेश्चन बनता है कि वो कहाँ की गवर्नर बनी थी. ओके, वो INC की प्रेसिडेंट बनी थी या फिर किस पॉलिटिकल पार्टी से वो कनेक्टेड थी. तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो सरोजनी नायडू के बारे में बनते हैं, जो कि आई थिंक आप एक दो बार पढ़ोगे, लर्न करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आप 100% करेक्ट आंसर करते हो. इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बन सकता है उनके वर्क से रिलेटेड. ठीक है, तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, देन द ब्रोकन विंग, इट वॉज अ सॉन्ग ऑफ लव, डेथ एंड द स्प्रिंग, देन द सॉन्ग ऑफ द पैलेंक्विन बेयरर्स, द स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ सरोजिनी नायडू, द सेपरेट फ्लूट, सॉन्ग ऑफ इंडिया, द फेदर ऑफ द डॉन, दैट वॉज एडिटेड बाय पद्मजनाई. तो ये इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें से कुछ कुछ पूछे जा सकते हैं. मोर इम्पॉर्टेंटली जो 1912 और 1917 में है वो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है द गोल्डन थ्रेशोल्ड. तो ये सब था सरोजनी नायडू के बारे में.
सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको आप ठीक से पढ़ोगे इनको पॉइंट्स को सभी को तो आप डेफिनेटली इनको कर पाओगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगली वीडियो के अंदर हम मिलते हैं दूसरे ऑथर या पोएट के साथ. सी यू ऑल, टेक केयर.